तरफ खड़े हो गया मंगलमूर्ति गणपति बप्पा मंगलमूर्ति गणपति बप्पा मंगलमूर्ति गणपति बप्पा। सर विवेक सर थोड़ा सा पीछे थोड़ा सकल इधर नहीं दिख रहा सर 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 अरे नीचे 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 हो यार पीछे चलो एक सेकंड अरे सर नीचे कर अरे यार लाइट भी निकाल निकालना कैसे हो आप? अरे गणपति बप्पा गणपति जी का आगमन हो चुका है। जी 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 बहुत ज़्यादा खुश हैं, खासकर ये जो हमारे विवान वीर हैं ये सबसे ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि गणपति जी को लाना और विसर्जन करना और खासकर उनके मोदक चुराना ये इनका काम है, ये उसके लिए बहुत एक्साइटेड है नहीं? यू एक्साइटेड नो? हाँ जी क्या स्पेशल चीज़ें होने वाली हैं? बस गणपति जी आ गए हैं घर पे, तो अब मम्मी और मेरी वाइफ लग गए हैं मोदक बनाने में, घर पे मिठाइयाँ बन रही हैं, अलग अलग किस्म के अलग अलग प्रकार के खाने बन रहे हैं, और वो हम लोगों का फेवरेट पार्ट है खाने पीने का, और आरती की वगैरह पूजा की तैयारी हो गई हैं, सब जगह घर में फूल वगैरह लगा के सजाया जा रहा है, और 5 दिनों में हर दिन की क्या प्लानिंग होगी वो लेडीज़ का डिपार्टमेंट है, और हम तो बस वही कर रहे हैं जो हमें बताया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, मुंबई में अगर कोई भी रहे तो गणेश उत्सव ऐसा समय है जहाँ पे हर एक की मेमोरी में इसकी कोई खूबसूरत यादें रहती ही हैं। मुझे याद है जब मैं विवान की उम्र का था तो हम लोग समुद्र के किनारे जाके बैठ जाया करते थे और बड़े बड़े गणेश आया करते थे, ह्यूज। कभी कभी तो मैंने एक कुछ ऐसे तो देखे जो जिनको क्रेन से उठाया जाता था पानी में विसर्जन करने के लिए, तो और बोट्स पे ले जाया करते थे लोग विसर्जन करने के लिए, तो वो सारी मेमोरीज़ हैं। और मुझे याद है कि लोग तब भी आया करते थे ढेर सारी आरती की थालियाँ मिठाई लेके, और छोटे बच्चों को देख के मिठाई पकड़ा दिया करते थे, तो वो एक बहुत अच्छा माहौल था। बहुत ज़्यादा एक मुझे लगता है कि गणेश उत्सव एक ऐसा समय है जहाँ पर पूरा जो मुंबई शहर है वो एक परिवार की तरह हमारे यहाँ बीच पर उतर आता है विसर्जन के समय, और आप किसी को जाने नहीं जाने, लोग अगर आप आरती उतार रहे हैं तो लोग आ जाते हैं आपसे थाली के सामने नमस्कार करके आरती ले लेते हैं, कोई लोग कुछ फूल डाल देते हैं, तो बहुत एक प्यारा सा एटमॉस्फेयर रहता है। मेरे घर कोई इको फ्रेंडली गणपति इस बार लेकर आया है जी, और जी सब लोग बहुत इंसिस्ट करें आपके गणपति पापा जी क्या इको फ्रेंडली? हाँ, 11 साल से हम इको फ्रेंडली गणपति करते हैं और ये 11वां साल है, तो मुझे लगता है कि इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और जब शुरू किया था तब लोग कहते थे कि उतना सुंदर नहीं लगता है, उतना ये नहीं है, उतना वो नहीं है, लेकिन अब मुझे लगता है कि लोगों को आदत भी हो गई है और पसंद भी करने लग गए हैं लोग। शाड़ू माटी की जो इको फ्रेंडली गणपति बनते हैं जिसमें हम वेजिटेबल डाइस से पेंट करते हैं, बड़े खूबसूरत भी होते हैं और पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा भी है, तो उस हिसाब से हम पूरी कोशिश यही करते हैं इको फ्रेंडली रहने की। बात अगर मोदक की करें तो मोदक स्पेशल जी हैं, बस यार जाने दो, बस को जाने। ये वीडियो पै मी विलुवैन कमेंट्स नी मातो शेयर चेसुकोंडी, अंड इंको विषयं सब्सक्राइब चेयडं मर्चिपोकंडी।